मोजले के नोएडा के लोग इन जो बिजली कटौती से परेशान है और बिजली कटौती से परेशान लोगों के द्वारा नोएडा के पावर हाउस पर पहुँच करके अपना विरोध दर्ज कराया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे ज़्यादा परेशान महिलाओं के द्वारा ही स्वयं यहाँ पर पहुँच करके अपनी विभिन्न बातों को लेकर के वहाँ के कर्मचारियों अधिकारियों से बातचीत की। मालूम हो कि यह महिलाएँ परेशान हैं और यहाँ पर धरने पर भी बैठ गईं। हालांकि यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि इनके बिजली बिल के बकाया हैं और यही कारण है कि उनके लाइट कनेक्शन काटे गए हैं, उनकी कटौती की गई है। ऐसे में बिजली बिल भरे जाने के बाद ही यह कार्य पूरा किया जाएगा, लेकिन महिलाएं अपनी बात पर अड़ी नजर आईं और उनके द्वारा बिजली कटौती को बंद करने की मांग की गई, उनके कनेक्शन काटने के लिए कार्रवाई बंद किए जाने की मांग की गई। नोएडा से अजय दुबे की रिपोर्ट। कल नहीं हो तो हमारा हो तो ज्यादा।
समस्या ये है कि अपने नोहटा के जो सब स्टेशन है इसकी जो केंद्र वगैरह है हमारे ऐसे परमार अपना नोहटा बराबर और घांगरी इन क्षेत्रों की बिजली पूरी तरह से बंद है और बार बार ट्रिपिंग भी होती है और अब थोड़े बहुत किसानों ने कुछ फसलें बोई हैं उनकी वो फसलें सूख रही और गर्मी से लोग परेशान हैं। प्रापर नोटा से हमारी आज महिलाएं वितरण केंद्र पे आई हैं तो यहाँ प्रभारी मिल रहे हैं और ना के लैंडमैन कोई यहाँ मिल रहे हैं। बिजली की इतनी गंभीर समस्या है कि आज महिलाएं यहाँ पलीता लेके आई थी बिजली वालों को ढूंढने और बिजली को ढूंढने क्या हुआ है फिर क्या कह रहे हैं यहाँ अभी यहाँ कोई अधिकारी है नहीं। क्या चाहते हैं आप? अपन ये चाहते हैं कि बिजली के जो नियमित है वो अपनी बिजली सप्लाई होना चाहिए। कौन सा गांव है ये और ये? ये नोटा है। नोटा में हमारे यहाँ जो अपना कॉलोनी है कॉलोनी में 2 दिन से लाइट नहीं है। कितनी महिलाएं आई हुई? लगभग कम से कम 40 महिलाएं आई हुई। आपका क्या नाम है? हम रमेश यादव भारतीय किसान संघ से प्रांत मंत्री। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सब देखो गर्मी में गर्भवती महिलाएं परेशानी है। कौन सा गांव है? अच्छा कहां से आई हैं आप लोग? कितने दिन से लाइट गोल है? अक्टूबर के महीना से। इसके संबंध में आपने यहां एमपी में शिकायत वगैरह की? हम लोग भाई यहां पे भी कंप्लेंट लिखाई है। तो कंप्लेंट आपके पास है? उस अभी बार बार यहाँ पे लिखी होगी सर। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे अधिकारी? अभी आप सैकड़ों की तादाद में महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, इस क्या कारण है? क्या चाहती हैं प्रशासन से? क्या नाम है आपका? ग्राम नोटा की बड़ी कॉलोनी की महिलाएं नोटा वितरण केंद्र में आई हुई थी। आज सुबह एसी साहब एवं डी साहब एवं हमारे जेई साहब के आदेश अनुसार एक वसूली अभियान चलाया जा रहा है। जिन लोगों के बिजली बिल बकाया है उनकी बिजली को बंद किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर रखते हुए ग्राम नोटा की कॉलोनी की महिलाएं आई थी, उनका बकाया बिजली बिल है, इस वजह से बिजली काटी गई है। जैसे ही बिजली बिल का भुगतान किया जाता है हमारे साहब का आदेश है तत्काल उनकी बिजली सुचारू रूप से चल। अभी महिलाएं यहां पर बैठी हुई हैं उनके लिए क्या? अभी उनका बिजली बिल भरा नहीं है, साहब के आदेश है कि जैसे ही बिजली बिल का भुगतान किया जाता है तत्काल आपकी बिजली सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। क्या नाम है आपका और ये? हमारा नाम अनीश खान है, मैं यहाँ नोटा सब स्टेशन से ऑपरेटर हूँ।